डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैप वर्क शुरू करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपको मैप का जो है कंपलसरी क्वेश्चन आता है, और आपके सिलेबस में जितने भी मैप हैं वो सारे इंडिया के मैप हैं। आपको चार मैप हैं, उसमें से दो मैप आएंगे आपको और एक मैप आपको करना है। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, और इसमें 16 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, जिसमें 10 नंबर की मैप फिलिंग है और 6 नंबर की टिप्पणी है। तो आज हम करेंगे मैप फिलिंग के बारे में। तो आपके चारों मैप जो हैं वो चारों के चारों ही इंडिया के मैप हैं। तो इसमें सबसे कॉमन है कि आपको सबसे पहले इसमें रिवर्स बनाने हैं, नदियाँ बनानी हैं, तो वो तो चारों मैप के लिए कॉमन ही है। तो आज हम इस लेक्चर में सबसे पहले नदियाँ बनानी सीखेंगे, और जो जो चीज़ें मैप में कॉमन है चारों मैप्स में वो करेंगे, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में एक एक करके सारे मैप करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंडिया का जो है मैप है, इस तरह का मैप आपको आएगा, और इसमें 10 नंबर का ये मैप होगा। जैसे कि पहले सेमेस्टर में भी आपको मैप आया था इंडिया का, और मैंने क्लास में आपको करवाए थे मैप, और उसी तरह के ये इस सेमेस्टर में भी आपको इंडिया के मैप हैं। तो सबसे पहले हम जो है रिवर्स बनाएंगे, और जो जो कॉमन चीज़ें हैं वो करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इस साइड इसमें क्या है, जो गुजरात और महाराष्ट्र की साइड जो है, कौन सा सी है, अरेबियन सी, अरेबियन सी, ये सब में कॉमन है। इसी तरह बंगाल वाली साइड जो है, कौन सा सी है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल वाली साइड जो है, उड़ीसा वाली साइड बे ऑफ बंगाल है, ये सब में कॉमन रहेगा। और गुजरात वाली साइड अरेबियन सी है, ये सब में कॉमन रहेगा। और नीचे जो है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो श्रीलंका के नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इधर अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल। ये सभी मैप्स में कॉमन रहेगा, चाहे कोई भी मैप आए। उसके बाद जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये नेपाल है, ये नेपाल का देश है, इससे ऊपर जो है यहाँ पर चाइना है, तो यहाँ आप लिखोगे चाइना। ये सभी मैप्स में कॉमन रहेगा, चाहे कोई भी मैप आए। उसके बाद जो ये एरिया है, ये सारा हिमालयाज का एरिया है, ये सारा एरिया जो है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल और उसके ऊपर का ये एरिया, तिब्बत का एरिया, ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट, ये सारा जो है हिमालयाज है। तो आप नेपाल के ऊपर यहाँ क्या लिखोगे, हिमालयाज, ये सारा एरिया हिमालयाज का है। तो ये सभी मैप्स में कॉमन रहेगा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, नेपाल के ऊपर हिमालयाज, और ये चाइना। उसके बाद हम रिवर्स बनाने जो है सीखेंगे। तो रिवर्स को सीखने का जो है कोई क्लियर कट फार्मूला नहीं होता है, इसमें हमें प्रैक्टिस से हम सीखते हैं, और हमारी जो लर्निंग सिमिट्री है उसकी, ये उसके हिसाब से हम इसको देखते हैं कि आपको मैप करते समय इसके कॉर्नर्स को देखना है, स्टेट्स की नॉलेज रखनी है, कौन से स्टेट से ये रिवर जा रहा है, कितने इसकी लेंथ है, किस कॉर्नर से जा रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको अपने माइंड में फिट करनी होती है, और उसके बाद आप जो प्रैक्टिस करते हो तो सीख जाते हो। तो मैं आपको ये मैप के जो रिवर्स बनाने सिखाऊंगा, ये उसी तरह से सिखाऊंगा जिस तरह से मैंने खुद ने सीखे थे, और ये सभी में कॉमन है। पिछले सेमेस्टर में मैंने आपको ये करवाने सिखाए थे, और आपने बड़ी अच्छी तरह से सभी ने करे। तो रिवर्स को बनाने का कोई फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ इसमें जो है अपने दिमाग के अंदर एक सिमिट्री बनानी होती है, एक पिक्चर बनानी होती है, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है। तो कॉर्नर्स का ध्यान रखना होता है, कौन से कॉर्नर से, और आपको इसके लिए स्टेट्स की नॉलेज होनी चाहिए मैप के लिए, मैप नदियों के लिए भी, और कोई भी मैप आए उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है, जिससे आपको आइडिया हो जाए। मान लो ये आपको पता है जम्मू कश्मीर है, तो इसमें श्रीनगर अगर आता है तो आपको पता होगा कि यहीं इसी के बीच होगा। इसी तरह बॉम्बे आता है तो आपको पता होगा कि इसी एरिया में होगा, मद्रास आएगा तो आपको होगा कि इस एरिया में होगा, कैलकटा होगा तो आपको पता है इस एरिया में होगा। तो आइडिया ज़रूर होना चाहिए, अमृतसर है तो आपको पता है यहाँ पंजाब है, गुजरात यहाँ है। तो इस तरीके से आपको स्टेट्स आने चाहिए, ये जो है J&K है, ये लेह लद्दाख है, यहाँ पर उत्तराखंड है,
ये यूपी है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, बांग्लादेश है, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और यहाँ हिमाचल है, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसी तरह बॉम्बे है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और केरला, तमिलनाडु और यहाँ कर्नाटका। तो ये आपको इसकी सारी नॉलेज होना चाहिए। इसका ये फायदा होता है भी कोई भी पॉइंट आपको लगाना आता है तो आपको पता होता है कि स्टेट में है, तो आपको थोड़ा ईजी हो जाता है। तो स्टेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैप फिलिंग के लिए आपको इंडिया की सारी स्टेट्स का पता होना चाहिए। जैसे ही है ढाका आ गया तो आपको पता ये बांग्लादेश है, इसमें होगा ढाका। इसी तरह पाटलिपुत्र है तो आपको ये होगा कि ये बिहार में होगा, यहाँ पर कानपुर है, लखनऊ है, आपको पता है कि इस एरिया में होगा। तो स्टेट्स की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, अरेबियन सी बनाने का फार्मूला क्या है कि जो महाराष्ट्र वाली साइड पे अरेबियन सी है, बंगाल की खाड़ी बंगाल वाली साइड है, श्रीलंका के नीचे इंडियन ओशियन है, नेपाल के ऊपर ये इस एरिया में हिमालयाज और ऊपर चाइना है। तो अब बनाते हैं नदियाँ। तो इसमें सबसे पहले हम नीचे वाली नदियों शुरू करेंगे। सबसे पहले नदी बनाएंगे हम कावेरी। तो कावेरी में कैसे करोगे आप कि श्रीलंका के ऊपर जो ये कट है, बड़ा सा कट दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से ऐसे नदी बनेगी। अब आप इसकी लेंथ देख लो, ऊपर की ओर जा रही है। इसको बनाने का तरीका क्या है, श्रीलंका के ऊपर एक बड़ा कट है, उस कट से ऐसे एक बड़ा सा फाल दे के एक नदी ऊपर की ओर बनानी है और इसको इधर टच ना करे इस कोस्ट को। ये है कावेरी, इसके पास आप लिख सकते हो छोटा सा कावेरी नदी। फिर आप ये देख रहे हो कि यहाँ से इंडिया खुल रहा है, इंडिया वाइड हो रहा है यहाँ से। जैसे यहाँ से देखो आप, इंडिया जो है यहाँ से थोड़ा पतला टाइप का, और यहाँ से इंडिया ऐसे खुल रहा है, इंडिया की बॉर्डर खुल रही है। जैसे ही इंडिया की बॉर्डर खुले, जैसे ही इंडिया की बॉर्डर खुलनी शुरू हो, दो नदियाँ आपने ऊपर की ओर थोड़ी थोड़ी दूर बाद के हिसाब से बनानी है। यह है कृष्णा और यह है गोदावरी। तो इसको बनाने का क्या फार्मूला है कि जैसे इंडिया खुलता है दो नदियाँ ऊपर की ओर, इनकी लेंथ कावेरी सी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ये है कृष्णा और ये है गोदावरी। और उसके बाद ऊपर आप जाइए उड़ीसा के एरिया में, ये बंगाल का एरिया है, यहाँ ये जो कट सा है ऊंचा सा, यहाँ पे कैलकटा है, तो उसे जस्ट नीचे आइए आप इस कट के ऊपर, ये जो कट सा है यहाँ पे, इस पे आइए उड़ीसा में, और यहाँ से सीधा ऐसे जाके आगे ऐसे कुर्चे की तरह आगे इसकी शेप बना देनी है। और ये है महानदी, महानदी। तो ये जो चार नदियाँ मैंने आपको अभी बना के दिखाई हैं, ये चारों नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इनको बनाने का तरीका क्या है, इनको माइंड में ये पिक्चर बनानी पड़ेगी। आप जो है इसको ये देखें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रीलंका के ऊपर जो बड़ा कट है वहाँ पे पेंसिल रख के ऊपर की ओर एक बड़ा सा जोड़ दे के एक नदी बना देंगे। उसके बाद जैसे इंडिया खुलता है, यहाँ से इंडिया की बॉर्डर वाइड होनी शुरू होती है, वहाँ दो नदियाँ ऊपर की ओर बना देंगे थोड़ी थोड़ी दूर बाद, और उड़ीसा के एरिए से सीधी जाते हुए आगे एक कुर्चे जैसी शेप दे देंगे, वो है महानदी। तो इससे आपको क्या है, ये चारों चीज़ें आप ऐसे याद करेंगे कि श्रीलंका के ऊपर कट है और वहाँ से ऊपर फिर इंडिया खुलता है दो नदियाँ और फिर उड़ीसा के एरिया में एक नदी। तो इससे आपको याद हो जाएगा, ये बस दो तीन बार इसको चीज़ को रिमाइंड करोगे और दो बार मैप बनाओगे तो आपकी चारों नदियाँ ये तैयार हो जाएंगी। तो इसको याद करने के लिए एक बार फिर बता रहा हूँ, श्रीलंका के ऊपर कट है उससे एक नदी, इंडिया खुलते दो नदियाँ और उड़ीसा के एरिया में एक नदी। उसके बाद आते हैं अपन नर्मदा और ताप्ती पे। नर्मदा और ताप्ती को बनाने का बड़ा इजी सा तरीका है कि ये आप गुजरात का एरिया देख रहे हो, गुजरात में ये बड़ा कट सा है, चाहे आप इसको चिड़िया जैसा मुंह कर लो या इस तरह से किसी तरीके से आप इसको याद करो कि एक चिड़ी जैसा मुंह है और उसके ऊपर से जो है सीधी एक नदी जो है ये नर्मदा है, और उसे जस्ट नीचे एक नदी जो है ताप्ती है। ऊपर वाली होगी नर्मदा और नीचे वाली होगी ताप्ती। इन दो नदियों को बनाने का तरीका क्या है, ये जो गुजरात में एक बना हुआ है तीखा सा, उसमें जस्ट ऊपर से सीधी नदी नर्मदा, उसे जस्ट नीचे नीचे की छोटी नदी ताप्ती। शेप इसकी देख ही रहे हो आप कैसी सी है, उसी तरह की बना देनी है। तो इसको बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, सीधे गुजरात में जाओ, इस कॉर्नर चूंच चूंच पे जाओ या चिड़ी सी पे जाओ, टॉप पे एक नदी और एक छोटी नदी, तो ये वैसे ही याद हो जाएगी।
इसी तरीके से हम आते हैं अब गंगा और यमुना पे, गंगा और यमुना का एरिया। तो गंगा और यमुना को बढ़ाने का एक बड़ा सौखा तरीका है कि आप जो है ये नेपाल आपको दिख ही रहा है, नेपाल ख़त्म होते ही थोड़ी थोड़ी दूर बाद दो नदियाँ शुरू होंगी। जैसे ही ये नेपाल ख़त्म हुआ एक नदी और थोड़ी दूर बाद दूसरी नदी, और आपने इसको जो है ऐसे चलाते चलाते पैरेलल चलाते चलाते नेपाल के नीचे मोड़ना है, बिल्कुल पास नहीं मोड़ना, ऐसे ऐसे चलानी है इसको, और नेपाल के सेंटर में इनको मिला देना है। ये जो नेपाल है इसका जो सेंटर है यहाँ इनको मिला देना है, यहाँ गंगा जमुना का संगम है, और उसके बाद सीधी इसको बिहार से ले जाते हुए बांग्लादेश से ले जाते हुए नीचे डाल देने। ये है गंगा और यमुना, यमुना ऊपर वाली है, गंगा जो है नीचे वाली है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, नेपाल ख़त्म होते ही, जैसे ही नेपाल ख़त्म हुआ, नेपाल ख़त्म होते ही थोड़ी थोड़ी दूर बाद दो नदियाँ पैरेलल में शुरू करनी है, पैरेलल में ऐसे रखनी है, और नेपाल के 1 सेंटीमीटर के लगभग नीचे से इनको मोड़ देना है दोनों को, और मोड़ते हुए नेपाल के सेंटर में मिला देना है, और आगे सीधी बिहार में से होती हुई बांग्लादेश में होती सी इसको डाल देना है। ये जो है ऊपर वाली यमुना है, इसके दिल्ली इसके किनारे स्थित है, और ये गंगा है, और ये संगम है इन दोनों का इलाहाबाद प्रयागराज में। और इसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार इसको बड़े जल्दी मोड़ देते हैं, जैसे ही इसको शुरू करते हैं जस्ट नेपाल के पास ही मोड़ते हैं, फिर नदी गलत हो जाती है। तो इसका ये तरीका है कि आप ये देखो कि दिल्ली का पॉइंट ले लो, क्योंकि दिल्ली जो है यमुना के किनारे स्थित है। तो दिल्ली को देखने का तरीका क्या होता है कि ये जो जम्मू कश्मीर का जो ये हेड है ऊपर, उसमें जो ये सबसे नीचे की लो लाइन है, इसकी लाइन के ऊपर दिल्ली पड़ता है। ये जो सबसे नीचे पॉइंट है उससे नीचे आगे सीधा आगे यहाँ दिल्ली पड़ता है। तो ये एक बार बना लो, बाद में इसको वाइट वॉश कर दो, एक पॉइंट सा बना ले पहले। तो ये जो हेड है उसमें जो सबसे लो पॉइंट है वहाँ से सीध में यहाँ पर दिल्ली है, इस नेपाल के कूट के सामने, और ये जो राजस्थान का उभार है उससे जस्ट ऊपर। तो पहले आप अगर गंगा यमुना बनाने से पहले आप इसकी सेंटर में यहाँ पर इससे जस्ट ऊपर और इसके सामने यहाँ एक पॉइंट सा बना लो इन नदियों को बनाने से पहले, तो उसका आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप जब गंगा यमुना बनाते हो तो आप जल्दी नहीं मोड़ते इसको, आप यमुना को पहले सीधा दिल्ली को टच करा कर ऐसे मोड़ देते हो, फिर इस नदी को ऐसे बना देते हो, तो ये आराम से यहाँ गैप रह जाता है, फिर नदी सही बन जाती है, और संगम इनकी इसके सेंटर में है, और फिर सीधी इसमें। तब आप एक बार से दोबारा से नेपाल ख़त्म होते ही दो नदियाँ पास पास शुरू होंगी, पैरेलल चलेंगी, मुड़ जाएंगी नेपाल के नीचे 1 सेंटीमीटर के लगभग नीचे मुड़ जाएंगी, नेपाल के सेंटर मिल जाएंगे, और फिर सीधी बिहार से होती हुई बांग्लादेश से होती हुई इस बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। और ये पॉइंट जरूर बना लेना ताकि आपकी नदी जल्दी ना मुड़े, गंगा और यमुना बहुत आसान है। तो अभी आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड कराता हूँ कि पहली नदी बनानी है श्रीलंका के ऊपर एक कट से, ऐसे इंडिया खुलते ही दो नदियाँ, उड़ीसा में एक नदी, इस चूंच पे दो नदियाँ, नेपाल के पास पास ऐसे दिल्ली पॉइंट बना के 1 सेंटीमीटर से मोड़ के सेंटर में मिला के और सीधी इधर ले आनी है, बहुत आसान है। गंगा और नीचे वाली यमुना। अब रह गई हमारी नदियाँ जो हैं ये सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये और बनाएंगे हम, और उसके बाद काफ़ी सफिशिएंट नदियाँ हो जाएंगी। इतनी नदियाँ मैप के लिए आपके लिए बहुत हैं, वैसे तो यहाँ भी बहुत नदी आती है ऊपर से, यहाँ भी एक चंबल नदी है और कई नदियाँ, लेकिन इतनी सफिशिएंट है एग्जामिनर के लिए। तो ये जो है आपका, इसको मैं थोड़ा इधर घुमा लेता हूँ, ये जो एरिया है इसमें सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये इधर से निकलती हैं और सारी इधर अरेबियन सी में गिरती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये अरेबियन सी में गिरती है नर्मदा ताप्ती, और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ ये भी अरेबियन सी में ही जो है गिरती हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी यहाँ पर थी, हड़प्पा सभ्यता। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, जैसे ही गुजरात ख़त्म हुआ, ये गुजरात है, ख़त्म होते ही ये पाकिस्तान शुरू हो जाता है, पुराने टाइम में तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन फिर भी हम मैप करने के हिसाब से कह रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान शुरू होता है वहाँ से एक लाइन आपने पेंसिल से शुरू करनी है, जैसे ही गुजरात ख़त्म हुआ उसे जस्ट आधा सेंटीमीटर दूर ऐसे शुरू करनी है, और राजस्थान के इस बड़े उभार से आगे तक जाके रोक देनी है। ये राजस्थान है, राजस्थान का ये बड़ा सा उभार है बाहर की ओर निकला हुआ, इसका निशानी याद रखनी है।
तो आप क्या याद रखोगे कि गुजरात जो है उसको ख़त्म होते ही आधा एक सेंटीमीटर दूर पाकिस्तान में एक लाइन ऐसे शुरू करनी है और ये जो राजस्थान का वार है इसे आगे तक ले जाके रोक देनी है। ये तो आप सीख गए। दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, गुजरात से आधा सेंटीमीटर पाकिस्तान में और सीधी सीधी इस उबार से आगे। फिर यहाँ से वापस पेंसिल रखोगे आप और यहाँ से इसको ऊपर उठाते हुए जम्मू कश्मीर के सेंटर से सीधा पहाड़ों में इसको ले जाओगे, इस पेंसिल से ऊपर की ओर उठाते हुए। और ये जो जम्मू कश्मीर का पूरा लेह लद्दाख और ये पूरा हेड है उसके बिल्कुल सेंटर में से ऐसे हाथ हिलाते हुए ले जाओगे। ये देखो ये सेंटर में से निकल रही है बिल्कुल। तो ये सिंधु नदी है सारी। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, गुजरात के जस्ट बाद जो है आधा सेंटीमीटर दूर ऐसे शुरू करोगे, राजस्थान की उबार को क्रॉस करते ही रोक दोगे, फिर दोबारा पेंसिल रखोगे और ऊपर को ले जाते हुए जम्मू कश्मीर के सेंटर से निकाल दोगे। फिर दोबारा वहीं आओगे जहाँ से किया है, वहाँ से एक नदी सीधी पंजाब के निचले हिस्से से जाती हुई यमुना के ऊपर से सीधी पहाड़ों में, ये है सतलुज। इसको बनाने का तरीका है, जहाँ जिस पॉइंट से इसको उठा के जम्मू से सेंटर से ले गए थे सिंधु को, वहीं से सीधा इधर मोड़ देना। ये पंजाब आपको पता है, ये पंजाब है, तो पंजाब के जो निचले हिस्से हैं फिरोजपुर लुधियाना वहाँ से तो सीधा इस पॉइंट पर रखा और पंजाब के नीचे से ले गए और सीधी पहाड़ों में ले गए यमुना के ऊपर से। ये ना हो कि आपका पॉइंट यहाँ आ जाए और आप इसको यमुना में टकरवा दो, फिर आपकी नदियाँ गलत हो जाएगी। यहाँ टकराने नहीं चाहिए, ऊपर से जाने चाहिए। इसे जस्ट ऊपर चले जाए तो भी कोई बात नहीं है। जो नदियाँ मैं बनाने सिखा रहा हूँ आपको, उसकी तो आप 50% भी बढ़ा दें तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो ये होगी सतलुज। उसके बाद ब्यास नदी सतलुज में मिल जाती है, ये छोटी सी नदी है हिमाचल में, ऐसे करके आप इसको छोटी सी बना दो, ये है ब्यास। उसके बाद जो बीच में जहाँ वो पेंसिल रखी थी हमने, वहाँ से ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा के बीच में सेंटर में, और ऐसे आप तीन लाइनें सी ऐसे बना दो, ये है जो रावी चिनाब और जेलम। तो ये आपकी सारी नदियाँ बन गई सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु सतलुज ब्यास रावी चिनाब जेलम, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ बन गई। तो एक बार फिर दोबारा से इसको सीखते हैं, बहुत आसान है। गुजरात से आगे गए आधा सेंटीमीटर और राजस्थान के इस उबार से आगे तक पहुंचे, रोक दिया, वहां से ऊपर गए जम्मू कश्मीर सेंटर से सिंधु, वहां से सीधा पंजाब के नीचे से गए यमुना के ऊपर से सीधा पहाड़ों में सतलुज, छोटी सी ब्यास, और फिर इस पॉइंट से जहाँ से हम सब दोनों नदियाँ बनाई वहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाके एक लाइन सी और तीन लाइन ऐसे बना देंगे और ये सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ बन गई। तो एक एक बार दोबारा से रिपीट करते हुए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, और इसमें नदियाँ बनानी बनानी होती हैं, तो नदियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नदियाँ फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके काम आई थी, क्यों, सारे इंडिया के मैप थे। सेकंड सेमेस्टर में भी सारे इंडिया के मैप हैं। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी सारे मैप जो इंडिया के ही हैं। तो अगर आप नदियाँ बनानी सीख जाते हो तो आपको 4 सेमेस्टर में काम आएगी। और नदियाँ जब बनी होती हैं तो मैप में मार्क्स बहुत आते हैं, और नदियाँ जो है उसको तरीका, इसको याद करने का कोई क्लियर कट